बहुत मुबारक हो जियो में जाने की, और आपका बहुत अच्छे किस्से सुन के और इतने प्यारे किस्से आप सुनाते हैं कि किसी को सुनाओ तो वो कहता है कि जी मैंने तो कभी सुना ही नहीं। खासकर आपने जो एक हजरत अस्वद के बारे में बताया था कि हजरत अस्वद में जो पत्थर लगाया हुआ वो एक फरिश्ता है, मैंने जिस किसी को भी बताया उसने कहा कि जी बहुत ही पहली मर्तबा हमने सुना है कभी इतनी जिंदगी में कि अब पता चला है हजरत अस्वद के बारे में। और आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आप इसी तरह अल्लाह ताला आपको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की दे। और जैसे मेरा सवाल ये था कि ये जो यहाँ अमेरिका से लोग जाते हैं सऊदी अरबिया और बगैर अहराम के जाते हैंगे और वहां से वो मदीने चले जाते हैं, इनके बारे में बताइए बताएं कि क्या क्या ये सही करते हैंगे। और दूसरी है कि वहां मैंने कुछ खातून वगैरह को भी देखा है ऐसे कि जो ये कहती जो मतलब बगैर महरम के तवाफ और उमरा कर रही थी, उमरा कर रही थी, मतलब सही कर रही थी बगैर उसके। प्लीज जरूर इस बारे में बताइएगा, बगैर बहुत महरम बहुत यहाँ से शुक्रिया, गई। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जाहिर है कि ये आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और कोशिश ये कि इखलास के साथ उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करूँ और इशात दीन, दिफा इस्लाम और खिदमत खल्क का सिलसिला जारी रहे। लिहाजा जहाँ मौका मिलता है मैं अपनी दीन की बात आगे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आपकी मोहब्बत और पजीराई है कि आप हौसला अफजाई करते हैं और आप मेरी बातों को रिस्पॉन्स देते हैं, पसंद करते हैं, और ये आपका ये कहना कि भी पहली दफा सुना है, ये भी आपकी मोहब्बत का एक उनवान और अंदाज है। कि जाहिर है कि ये सब जो हमारे बड़े मेहनत कर गए हैं और ये बिखरे मोती हर जगह पड़े हैं, मेरी कोशिश होती है कि इन बिखरे मोतियों को एक लड़ी में पुरो कि आप हजरात के सामने रख दूं और आप लोगों को फायदा हो जाए। गोया के 15-15, 20-20 साल का जो गोया के एक मुताल और मेहनत आपको 15 मिनट के अंदर मिल जाए, और वाकई आप लोग भी उसकी कदर करते हैं, और वाकई इल्म की कदर दुनिया में होती है और आप लोग बड़े कदरदान हैं। इसलिए मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं अच्छी से अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि जो पहले मदीना जाते हैं बगैर आराम के, फिर उसके बाद वहां से करते हैं, वो बिल्कुल उसमें कोई मुजायका नहीं है, बल्कि वो इस नीयत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज उमरे के साथ मुशाबित हो जाए, इस नीयत से जाएं तो और बेस्ट है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहराम मदीने से मक्के की तरफ था। आपने उम्रे और हज का एहराम मदीने से मक्के बांधा, इसलिए लोग पहले मदीने जाते हैं, रसूलुल्लाह के दरबार में गोया के हाजिरी देते हैं, अब वहां से एहराम बांधते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम की मुशाबत में, कि आपने भी इसी तरह मदीने से मक्के की तरफ एहराम बांधा था। चुनाचे वहां बेरे अली से वहां पर एहराम बांधा जाता है और ये इसी तरीके से मदीने से मक्के आते हैं, उसमें कोई मुजाका नहीं, ये भी मोहब्बत का एक उनवान है। और दूसरा जो सवाल आपने किया है, के बगैर महरम के तवाफ हाँ करते दूसरा हैं। सवाल जो बगैर महरम के तवाफ करते हैं, उसमें उसमें ये नोयत वाजे करने की जरूरत है कि वो यहाँ से अपने इलाके से वहां पूरा सफर बगैर महरम के किया, या वहां सिर्फ महरम के साथ गए, वहां तवाफ औरतें बगैर महरम के कर रही हैं या सही कर रही हैं। तो अगर आपका मतलब ये है कि यहीं से यानी अमेरिका से बगैर महरम के वो लोग सफर करके जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल गुनाहगार हैं और वो हराम है, नाजायज है, क्योंकि हदीस में इस बारे में बड़ी सख्ती है। और सही बुखारी की हदीस है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत बगैर महरम के सफर ना करे, ना खलवत में उसके पास बैठे, ये आपने फरमाया। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी बीवी तो हज करने जा रही है, मेरी बीवी हज करने जा रही है काफिले के साथ, और मैं यहाँ जो है सरहद इस्लाम पर जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं क्या करूँ? तो नबी पाक फरमाया कि तुम ड्यूटी छोड़कर उस अपनी बीवी के साथ हज पर उसके साथ जाओ। गोया के देखे उस वक्त मुजाहिदीन इस्लाम की कितनी जरूरत थी, सरहदों के ऊपर मुजाहिदीन चाहिए थे, तो लेके आपने उसकी वहां से ड्यूटी हटवा के बीवी के साथ भेजा कि तुम उसके साथ जाकर जो है वो हज करो, महरम के साथ हज होना चाहिए। इससे अंदाजा करे कि इस पर इतनी गुंजाइश नहीं है, और वो तो अमन और सलामती और तकवे का जमाना था, वहां काफिले में अगर औरत चली तो कोई मुजाक नहीं होना चाहिए था, लेकिन नबी पाक ने इजाजत नहीं दी। और आज तो फितने का दौर है, आज तो फितने का दौर है, जगह जगह फितने हैं, इसलिए इस फितने के दौर के अंदर जो है वो बगैर महरम के सफर करना, फिर हज वाले इज्तिहाम के अंदर जाना, ये तो और खतरनाक है। आम एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर चले गए तो वहां तो बजाय अकली तौर पे इतना खतरा नजर भी नहीं आता कि ठीक है यहाँ से अमेरिका से पाकिस्तान चले गए, वहां अजीज व अकारिब ने लिया और घर चले गए, नाजायज वो भी है, हराम वो भी है, लेकिन हज वाला जो सफर है वो तो 8-10 दिन 20 दिन आपको वहीं रहना है, और अकेले महरम के बगैर होटल में ठहरने, किसी को पता नहीं, कोई अगर उसके साथ भी घूम रहा है किसी को पता उसका शौहर है या भाई है, या वैसे कोई वहीं से दोस्ती यारी हो गई है, किसी को खबर नहीं है। और ऐसे वाकयात मुफ्तियाने इकराम के सामने आते हैं
कि यहाँ से इस नीयत से जाते हैं और वहां पर बड़े बड़े जो है वो इंसान जो है वो खतरनाक जो है वो अहवाल में मुबतला होकर वापस लौटता है। इसलिए शरीयत ने जो कहा है वही बरहक है, बगैर महरम नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर महरम के साथ गए वहां पर वो तवाफ के लिए अगर बगैर उस महरम के गए उसमें मुजायका नहीं है, क्योंकि हद सफर के अंदर जो है बगैर महरम के और जा सकती है, वहां तवाफ करने चलेगी सही कर रही है तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन पूरा ऑल द वे सफर जो है वो 48 मील या 48 मील से ज्यादा का सफर वो बगैर महरम के वो जायज नहीं है। बाकी वहां बगैर महरम के और जो तवाफ वगैरह कर सकती है उसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि सफर महरम के साथ किया हो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यहाँ पर